ले पी ले बेटा, पी ले पी ले। कैसा है? हाय गाइस वेलकम, अरे उधर कहाँ, इधर इधर, ओ हाँ हाय, ओके हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रगति एंड फॉर टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू ट्रांसफॉर्म माय रूम इन 24 आवर्स। तो यार मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि मैं क्या करूँगी इस रूम के साथ, बट इतना पता है बहुत सारे चेंजेस होंगे। और फिलहाल के लिए यहाँ पे जो डबल बेड का बेड था वो हमने बाहर रखवा दिया है, क्योंकि एक तो रूम छोटा था और रूम में बेड बड़ा था तो बहुत कंजेस्टेड हो जा रहा था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ फोटो सेलेक्ट करके रखे हैं जिनके मैं प्रिंट आउट्स निकलवाऊंगी, एंड यहाँ पे कुछ वॉल कोलाज टाइप का मेरा बनाने का प्लान है। तो चलो यार सबसे पहले प्रिंट आउट कराते हैं। प्रिंटआउट्स थे उसमें कुछ एक्स्ट्रा वाइट बॉर्डर्स थे जो मुझे नहीं चाहिए थे, तो मैं उसे सिंपली यहाँ पे कट कर रही हूँ। और अगर किसी को भी ये सारे पिक्चर्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक चेक कर सकते हो। मैंने आप सबके लिए स्पेशली एक फोल्डर बनाया है जहाँ पे ये सारे के सारे पिक्चर्स हैं, तो आप उस लिंक को क्लिक करना एंड फोटोज डाउनलोड हो जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे इसे निकालना पड़ेगा। बाय बाय बहन। यार स्टिकर के साथ पेंट भी निकल गया। ऐसा लग रहा है मैं स्टिकर नहीं पेंट उतारने आई थी यहाँ पे। और पपड़ियाँ निकल गई। पपड़ी इधर आना, देखो दीवार पे क्या है। मम्मी को बता रहा हूँ, रुको तुम घबरा मत। अरे तो जब तक मैं अपने रूम में वो फोटोज पेस्ट कर रही थी तब तक ये भैया मेरे रूम के लिए एक वुडन शेल्फ बना रहे थे। तो गाइस मैंने फर्स्ट वाला लाइन थोड़ा दूर दूर किया है, फिर मैंने नीचे ना थोड़ा पास पास कर दिया है, और अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि ऊपर वाला लाइन ज्यादा बेटर था। तो जो मैंने नीचे वाला किया मैं उसे फिर से निकालूंगी एंड हां हां मैं फिर से करूंगी। ट्राई अगेन अगेन अगेन। तो आपको वो दिख रहा है जो पेंट मैंने निकाल दिया था, उस करतूत को छुपाने के लिए मैं उसके ऊपर ही चिपकाए जा रही हूँ। तो मम्मी अगर आप ये देख रहे हो तो प्लीज मुझे मत मारना, मैंने गलती से कर दिया था। ये बाबूराव का स्टाइल है। आई थिंक मेरे पास 30+ पिक्चर्स थे तो टाइम भी बहुत लग रहा था इसे पेस्ट करने में। सारंगे एक एक्स्ट्रा बच गया यार, लेकिन ये ना सेम है, बिल्कुल सेम उसकी तरह। फाइनली गाइज हमारा ये वॉल कम्प्लीट हो चुका है एंड मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो नेक्स्ट मेरे दिमाग में एक मस्त DIY थी, तो मैंने सबसे पहले एक कार्डबोर्ड लिया एंड कार्डबोर्ड पे ऐसा P लिखा, और P स्टैंड्स फॉर प्रगति। अब जो लोग मुझे पसंद नहीं करते ना वो बोलेंगे P स्टैंड्स फॉर पागल, तो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं बोल लो। तो सबसे पहले मैंने ये ब्लू कलर कार्ड लिया और ऐसे राउंड राउंड करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने एक लाइट ब्लू कलर लिया और सेम चीज़ मैंने उसके साथ भी की। ये देखने में आपको लग रहा होगा कि हाँ हाँ ये तो 10-15 मिनट में बन जाएगा, बट ट्रस्ट मी गाइज इसे करने में मुझे 2.5 से 3 घंटे लगे हैं सच में। फिर सेम चीज़ मैंने एक वाइट यार्न के साथ की और राउंड राउंड करना स्टार्ट कर दिया। और एंड में मैंने ग्लिटर पेपर और ऐसे नॉर्मल शीट, कलरफुल शीट लिया और उसे एक रोज़ बना के उस पर पेस्ट कर दिया। यार ये देखने से तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन जितना इजी ये दिखता है ना उतना इजी बिल्कुल नहीं है। मेरी हालत खराब हुई है इसको बनाने में, क्योंकि यार ऐसा लग रहा था कि बस आप ऐसे राउंड राउंड करते जाओगे और ये बनता जाएगा। शायद ये मेरा लेटर ही इतना डिफिकल्ट है, ऐसा कर्व बना है। शायद आप अगर टी वगैरह बनाते तो वो ईजी होता, आप बस ऐसे ऐसे करते और हो जाता। आई डोंट नो ये कैमरे पे कैसा दिख रहा है, लेकिन रियल में बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो उन भैया ने मुझे बहुत अच्छा सा शेल्फ बना के दे दिया था, तो मैं वहाँ पे पेंटिंग कर रही थी। फिर मुझे याद आया यार पागल प्रगति जा न्यूज़पेपर ला और नीचे रख ले, क्योंकि नीचे खराब हो रहा था। तो गाइस इस वॉल पे मैं ये टेपेस्ट्री लगाने वाली हूँ। सो मैंने ये अमेज़न से मंगाया था एंड मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है। बहुत प्यारा लग रहा है यार। गाइस कमेंट करके बताना किसको किसको ये बेडशीट लग रहा है, क्योंकि मेरी बहन को तो ये पूरा बेडशीट लग रहा है। ओके तो हमें ये लेना है एंड बी से बूम ऐसे कर देना है। वाओ कितना प्यारा है ये सामान। मैंने ये ऐसे गोल्डन पिंक
कौन सा कलर है ये? पीच। पीच है या गाजर वाला, जो भी कलर है, फिर वाइट, फिर गोल्डन, फिर पिंक, फिर जो भी कलर है, फिर वाइट एंड ऐसे। तो फाइनली अब हम इसके रस्सी में इसका फंदा बांधेंगे एंड 1 2 3 गाइस कैसा लग रहा है हमारा ये होम मेड शेल्फ? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इसका। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इसका। कुछ मालूम है? कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? सारे मैंने कुछ पूछा? पेंट अभी नहीं सूखा है, कोई बात नहीं। और एक और गाइस, रात हो चुकी है एंड मेरा रूम ट्रांसफॉर्मेशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। पीले बेटा, पीलो। फाइनल टचअप के लिए मेरे पास है ये कुछ फेरी लाइट्स, तो मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ। तो गाइस मेरा रूम बिल्कुल रेडी है एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप रेडी हो देखने के लिए? सो 1 2 3 कंफर्टर, उसके बाद आपने ये टेपेस्ट्री तो देख ही ली है ब्लू कलर की, उसके बाद यहाँ पे फेरी लाइट्स लगाए हुए हैं मैंने एंड ब्लू पिलोज भी है साथ में एंड यहाँ पे काफ़ी कलरफुल कोलाज मैंने बनाया हुआ है, तो ये लुक काफ़ी एस्थेटिक है, बट एस्थेटिक के साथ साथ ना थोड़ा कलरफुल है, आई मीन इंडियन एस्थेटिक कह सकते हो, इंडियन वाइब्स भी आ जा रहे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लैपटॉप रखा है और लैपटॉप पे मैंने ऐसे क्यूट सा एक वॉलपेपर ओपन करके रख दिया ताकि ये थोड़ा थीम से मैच करे। ये भी आप डीआईवाई शेल्फ कह सकते हो क्योंकि ये घर में ही बना है, तो यहाँ पे जो मैंने पी बनाया था वो मैंने रखा हुआ है। उसके बाद ये प्रगति, किसी ने मुझे ये सेंड किया था, दिखा देती हूँ, टडा। तो ये पी ऐसे छुप जा रहा था तो मैंने इस बड़े वाले पी के पीछे ऐसे छुपा दिया ताकि ये दिखे ना। और ये दोनों तो पुराने ही, मैंने स्प्राइट के बॉटल से बनाया था। मेरा प्ले बटन रखने का जगह मुझे मिल चुका है, टेडी बियर है क्यूट सा एंड ले पीले बेटा पीला पीला पीलो। ये मैसेंजर रखा हुआ है। देन यहाँ पे है हमारा एसएल गार्लैंड और गार्लैंड के साथ साथ यहाँ पे भी कुछ फेरी लाइट्स हैं। कर्टन्स हमारे वाइट हैं, वाओ फेरी लाइट है, कर्टन्स हमारे वाइट हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि बहुत सही लग रहा है यार मेरा। कैसा है बताइए? बहुत सुंदर। तुम तो देखियो फिर इतना क्यों खुश हो रही हो? और हाँ गाइज, मैं ये पिंक लाइट्स भी खरीद के लाई थी इस रूम में लगाने के लिए, बट मुझे अब समझ नहीं आ रहा मैं इसे कहाँ लगाऊं, तो आप कमेंट करके बताना कि मैं इसे कहाँ लगा सकती हूँ कि ये अच्छा सा लगे। और अगर आप सोच रहे हो मैंने अचानक से लिपस्टिक कहाँ से लगा ली है, तो यार रात हो चुकी है बट मेरे ना एकदम सूखी लग रही थी, मैंने कहा लिपस्टिक लगा लेते हैं, मेरे अंदर जान आ जाएगी। तो कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा रूम एंड बहुत मैं थक चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ सोने। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है रूम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस, एक और बार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस, एक और बार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस, बाय बाय।